ग्रामीण के दूरदराज के इलाकों के लिए सूचना के प्रसारण के लिए रेडियो एक सबसे पुराना तथा भरोसेमंद साधन है। नापड़ा जिला का दल्लीपड़ा ऐसा ही एक गांव है जहां के लोगों के लिए रेडियो ही एक साथी है सूचना जानने के लिए। ई बच्चर मुई पहला करी गोटे एक मीटिंग जाई थी। ये मीटिंग के जंगल जमी उपरे गोटे विराट सभा ही थिला। बुझलु तो आमर ए नुआपड़ा जिलार चलो चलो संस्था वाली गोटे अच्छे से मैंने आमर भवानीपाटना रेडियो स्टेशन रु प्रत्येक रविवार दिन मोर टुणे मोर कथा नहीं बोली 1:20 प्रोग्राम देसी आरु बुधवार दिन 1:20 मोर हक बोली प्रोग्राम देसी। प्रोग्राम विषय शुणी मोर टुणे मोर कथा प्रोग्राम शुणी आमर लोकाल एरिया नहीं कर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट भितर आम कुशली भाषा मानते नहीं करी से प्रोग्राम दे थी सीटा शुणवा लगे बहुत इच्छा आर मुझे जन भी नियमित श्रोता रेडियो प्रत्येक दिन मुझे रेडियो शुणसी आउ से प्रोग्राम शुणवर आम एम जी एन आर ए शिक्षा अधिकार आईन विषय बजेट जननी सुरक्षा विषय आई सी डी एस आर सरकार अन्यान्य प्रोग्राम भी सब दौर शुणवा लगे बहुत भल लग्सी और आम जेन प्रोग्राम मैंने नहीं जानते आम नहीं जान गाँव में आम कि नहीं जापरबार से आम जापारू। नुआपड़ा जिला में ऐसे ही रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सूचना का प्रसारण हो रहा है। आइए हम खुद चलकर देखते हैं किस तरह से रेडियो का कार्यक्रम तैयार होता है और लोगों को तक उसका प्रसारण होता है। जंगल नष्ट हो जाऊ छे अमर छोट बेले जंगल नो चाहार कुसुम खुडू फल केते ने के देखो थिनो एबे तो हटा नहीं मिलवा। इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं के बारे में लोग बेखबर रहने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह होती है स्थानीय भाषा में सूचना का प्रसारण ना होना। कम्युनिटी रेडियो के जरिए से स्थानीय भाषा में सूचना का प्रसारण संभव है। मैं अभिषेक कुमार दास गांव दल्लीपड़ा जिला नुआपड़ा उड़ीसा से इंडिया अनहड़ के लिए।